जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के मामले में एसपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के खिलाफ योगी सरकार एक्शन में है। कोर्ट के आदेश के बाद जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने को लेकर कार्रवाई तेज हो गई और इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के घर पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। नोटिस में कब्जे वाली जमीन को खाली करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। और आपको ये बता दें कि जिला कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने को एसडीएम कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए आजम खान की याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले एसडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का आदेश दिया था। पीडब्ल्यूडी की रोड पर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बनाने का आरोप है। माननीय सांसद मोहम्मद आजम खान साहब को एज ए चांसलर जौहर यूनिवर्सिटी कि वो उस गेट को हटा लें और अगर 30 दिन के अंदर वो गेट को नहीं हटाते हैं तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो संपादित की जाएगी 30 दिन के बाद।